हजारीबाग जिले में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन दिनों लोग गुजर रहे हैं वह है बिजली। दरअसल हजारीबाग जिले में पिछले 48 घंटे में कुछ ही समय के लिए बिजली व्यवस्था उपलब्ध हो पाई है। उसके बाद लगातार बिजली व्यवस्था बाधित रहने से लोगों के बीच काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। लोगों के घरों में पानी की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग मोमबत्ती जलाकर घरों में रह रहे हैं। इसी को लेकर हजारीबाग के कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह अपने कार्यकर्ता के साथ आज हजारीबाग के बिजली कार्यालय पहुंचे और जिले में हो रही बिजली समस्याओं को लेकर वरीय अधिकारियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिजली समस्या जल्द दूर नहीं होती है तो इसको लेकर ऊपर तक बात रखेंगे। वह लगातार हो रही बिजली समस्या को लेकर बिजली विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में कई जगह पेड़ के डाल एवं अन्य समस्या की वजह से बिजली सेवा बाधित है। कहना है कि नगर जो शहर का जो बिजली है वो 1-2 घंटे में हम लोग उसको चालू कर लेंगे। पूरी बिजली विभाग की टीम लगी हुई है जहाँ एक्चुअली क्या है कि इनका कहना है कि बारिश से डालियाँ झुक जाती हैं, वो तार में सट रही, उससे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट कर रहा है, कुछ चलते बिजली ट्रिप कर रही है, उसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 1-2 घंटे में शहर को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। क्या समस्या से गुजर रही है सर? समस्या है कि इन लोग का कहना है कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन है आंधी बारिश में वो इन लोग उसको मतलब ट्रांसमिशन लाइन को सही से लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा भी तार झुक जा रहा है, पुराना ऊपर का डालिया जा रहा है। इनका कहना है कि चूंकि हजारीबाग में बड़े बड़े पेड़ हैं, हमारे पोलों से भी बड़े पेड़ हैं, तो ऊपर का भी कोई डालिया के तार पे गिर जा रहा है तो शॉर्ट कर जा रहा है, ये समस्या बता रहे हैं। जब से पानी बरस रहा पिछले 3 दिनों से हजारीबाग की बिजली व्यवस्था कुव्यवस्था की ओर जा रही है। समझ लिए कि बिजली पूरा शहर कोमा की ओर जा रहा है और जितने बिजली के पदाधिकारी हैं चैन के नींद सो रहे हैं। मतलब समझ लिए सरकार की छवि को बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और सारे अधिकारी को देखिए, अभी 11:30 के आसपास बज रहा है, बिजली विभाग के एक पदाधिकारी बिजली ऑफिस में नदारत है। हम लोग सुबह से फोन से बात कर रहे हैं, 2 दिन से बात कर रहे हैं, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे, सिर्फ टाल मटोल की बात करते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं किए, जबकि इन्होंने हमेशा मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग के बजट को गड़बड़ाने का प्रयास किया। एक तरफ से इस पर भी हम लोग को भी जांच करने का सरकार को निवेदन करना है कि इतना इन लोग हर बार मेंटेनेंस के नाम से इतना काम करता है, लेकिन आज व्यवस्था देख लीजिए। इस संबंध में यही कहना है कि रात से जो है काफी बारिश हो रही है और तेज हवा चलने के कारण डालियां जो है लाइनों पर बैठ जा रही है और कहीं कहीं डालियां टूट के गिर गई है, जिसको हम लोग जो है क्लियर करने में पूरा विभाग लगा हुआ तत्परता से, सारी टीम हमारी बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग 1-2 घंटे के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि पावर रिस्टोर कर लें और अपने सारे कंज्यूमर को जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको हम बिजली प्रोवाइड करें। कहना है कि नगर जो शहर का घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।